खबर महाराष्ट्र से, जहां के यवतमाल में आदमखोर बाघिन को मार दिया गया, जिसका अंत हो गया। 13 लोगों की जान ले चुकी थी ये आदमखोर बाघिन, 13 लोगों को इसने अपना शिकार बनाया था और आज इसका अंत हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। ये वही बाघिन है जिसने 13 लोगों की जान ले ली थी। काफी आतंक था इस बाघिन का। महाराष्ट्र के यवतमाल में इसे मार गिराया गया। कोशिश की गई कि इसे बेहोश किया जाए, लेकिन काफी हमलावर थी ये बाघिन, इस वजह से इसे गोली मारनी पड़ी। 13 लोगों की जान ले चुकी थी ये बाघिन। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में आदमखोर बाघिन का अंत हो गया है। भयानक आतंक था इस आदमखोर बाघिन का। 13 लोगों को ये अपना शिकार बना चुकी थी और आज इस बाघिन का अंत हो गया है। तो ये देखिए, पहले इसको बेहोश करने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी हमलावर थी ये बाघिन, काफी अग्रेसिव थी, जिस वजह से इसे गोली मारनी पड़ी। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रालेगांव तहसील में जिस बाघिन को नरभक्षक कहा जा रहा था, उस बाघिन को कल रात मार दिया गया है। कल रात 11 बजे के करीब रालेगांव के पास के जंगल में कंपार्टमेंट क्रमांक 149 में उस बाघिन को मारा गया है। वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि पहले तो उसे पकड़ने के प्रयत्न किए गए, लेकिन जब उसे पकड़ने के प्रयत्न जो है वो असफल हो गया और उसे उस पर नियंत्रण पाना कठिन हो गया। आज सुबह T1 बाघिन का जो शव है वो नागपुर में गोरेवाड़ा के रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पर विदर्भ के इलाके में जो भी वन्य प्राणी जंगलों में जख्मी होते हैं या जिनकी मौत होती है, उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, उन पर उपचार किए जाते हैं या पोस्टमार्टम कर मौत की जो जानकारी है वो जुटाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही T1 बाघिन का जो शव है वो यहाँ अंदर ले जाया गया है और यहाँ पे आज उस पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले में जो पूरी रिपोर्ट है वो वन विभाग की तरफ से दी जाएगी। अभी अभी वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहीं गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में आज T1 बाघिन पर पोस्टमार्टम कर उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई इसकी जो जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी और दोपहर तक वन विभाग की तरफ से इस बारे में पूरा खुलासा होने की संभावना है। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ रजत वशिष्ठ, ABP न्यूज, नागपुर। और यवतमाल की आदमखोर T1 बाघिन की मौत को लेकर अब विवाद भी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले इसे मारा गया और उसके बाद सिर्फ दिखाने के लिए इसे ट्रैंक्विलाइज किया गया। ये सुन के बहुत शॉक में है सब पूरी दुनिया में कि T1 को इन लोगों ने मारा है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था पहले उसका ट्रैंक्विलाइजेशन का कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो मारिए। तो जो पिक्चर उन्होंने भेजा है उसे साफ दिखता है कोई भी आदमी उतना प्रिसिशन से वो रात में इतना प्रिसिशन डांट नहीं कर सकता वहाँ। तो ये साफ है इन्होंने पहले मारा है उसको, बाद में डांट डाला है उसमें। तो वी विल आस्क फॉर ए फेयर PM। अगर PM रिपोर्ट फेयर नहीं आया, वी आर फोर्स टू गो टू कोर्ट। तो यवतमाल की आदमखोर बाघिन का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी मौत अब सवालों के घेरे में है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।